नमस्कार दोस्तों, कई बार हमारे द्वारा ज़्यादा बोल जाने के कारण अनर्थ हो जाता है। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि कब कब हम मौन रहें और किन किन परिस्थितियों में हम चुप रहें। आइए जानते हैं इस वीडियो में। मौन रहें जब तक आपके पास संपूर्ण ज्ञान तथा प्रमाण ना हो। मौन रहें जब आपको लगता हो कि आपके बिना बोले भी काम चल सकता है। मौन रहें अगर आपके शब्दों से, वाणी से त्रुटिपूर्ण भावों का प्रचार प्रसार हो रहा हो। मौन रहें अगर आप आक्रोश के आवेग में आ रहे हों। मौन रहें जब आपको लगता है कि कोई महत्वपूर्ण दोस्ती आपके बोलने की वजह से टूट सकती है। मौन रहें जब आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को आपके शब्द चुभेंगे। पहले ही मौन रहें उन बातों में जिससे आपको बाद में ना लगे कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मौन रहें जब आप स्वयं के प्रति आत्मग्लानि से भरे हों। मौन रहें जब श्रवण का समय हो। मौन रहें तब जब आपको लगता है कि निरर्थक शब्दों के उपयोग से मौन रहना ही उचित है। मौन रहें जब आपको झूठ बोलने का भाव आ रहा हो। मौन रहें जब आप भोजन कर रहे हों। मौन रहें जब कोई व्यर्थ में आपसे विवाद करना चाह रहा हो। मौन रहें जब आपके शब्द किसी में लड़ाई करा सकते हों। मौन रहें जब आपको किसी को खोटा उपदेश देने का भाव आ रहा हो। मौन रहें जब आपकी वाणी किसी के बारे में बुरा बोलना चाह रही हो। मौन रहें जब आपकी वाणी किसी को बुरा कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाह रही हो। मौन रहें जब कोई क्रोध कर रहा हो। मौन रहें जब कोई पाप करने की आपसे सलाह मांग रहा हो। इत्यादि अनेक अवस्थाएं हैं और अनेक परिस्थितियां हैं जिस समय में हमें और आपको मौन रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका क्या मानना है कि हमें कब कब मौन रहना चाहिए, ये दोनों ही बातें हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी सुंदर सुंदर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आप आगे आने वाली सभी कहानियों के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें।